देखिए भैया बाद में भी सॉलिड की लास्ट क्लास है, ठीक है भैया? ओए सॉलिड की लास्ट क्लास है, ठीक है? और दो टॉपिक है बड़े बेसिक बेसिक से, उससे फालतू कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि तो अगली क्लास से नया चैप्टर चालू होगा। और बता रहा हूँ भैया, जिसको थोड़ी भी रख दे, ठीक है भैया, तो जिसको थोड़ी भीड़ से भाई प्लीज, जिसको भीड़ से दिक्कत है उसके लिए ही मैंने TTS में भी 6 से 7 का एक बैच बना रखा है, तो उसमें आ सकता है। उसमें 10-15 बच्चे ज्यादा ज्यादा, उससे ज्यादा बच्चे नहीं आते, बढ़ेंगे तो ज्यादा ज्यादा 20 हो जाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है? तो भैया उसमें आ सकते हैं, सेम चलेगा यही जो चल रहा है। संडे को केवल एक ही बैच लूंगा, पता है आपको, ठीक है? सुबह, शाम को कोई बैच नहीं होता। तो भी देखिए, एक मिनट चुप हो जाओ, ठीक है भैया? तो सॉलिड के तो छोटे छोटे बेसिक बेसिक से आपके टॉपिक बचे हुए। एक तो मैंने आपको बताया था कि भैया जो चीज अपनी शेप को रिस्टोर करती है, जो चीज अपनी शेप को दोबारा से वापसी रीगेन करने की क्षमता रखती है, उसके अंदर एक एनर्जी आती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आप एक स्प्रिंग को खींचते हो और फिर क्या करती है, स्प्रिंग अपनी शेप को दोबारा से रिगेन कर लेती है। स्प्रिंग के अंदर भी क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। एक पत्थर को उठाते हो, अच्छा पत्थर अपने आप को दोबारा नीचे गिरा लेता है, यानी पत्थर फिर अपने आप को क्या करता है, रिस्टोर कर लेता है। उसके अंदर भी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एक रबड़ को खींचते हो, रबड़ के वो छोड़ोगे तो रबड़ वैसी हो, वापसी हो जाती है। रबड़ भी खुद को क्या कर रही है, रिस्टोर कर रही है, तो उसके अंदर भी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जो भी सिस्टम अपने आप को रिस्टोर करता है, जो भी सिस्टम अपने आप को रिस्टोर करता है, उसके अंदर क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। उसके अंदर क्या आती है, अब हम जो हो जाए, आ जा, ओ भाई मंतोष, इस पे आ जा, इस पे आ जा, ओ बंगाली इधर जा, मंतोष भाई इधर जा, बस ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिए भैया, तो जो भी सिस्टम अपनी शेप साइज को रीस्टोर करता है, उसके अंदर एनर्जी आती है, पोटेंशियल। क्या आती है, हम जो सॉलिड चैप्टर हमने जो पढ़ा, सॉलिड के पास एक प्रॉपर्टी थी, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या थी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंतर्गत अगर आप किसी बॉडी को डिफॉर्म कर दे, मतलब उसकी शेप और साइज को चेंज कर दे, तो आपके फोर्स हटाने के बाद बॉडी खुद को क्या करती है, रिस्टोर करती है। यानी उस बॉडी के अंदर भी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया जो भी सिस्टम खुद को रिस्टोर कर पाता है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, स्प्रिंग को खींचोगे, स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करती है। उसके अंदर क्या आएगी, पत्थर को उठाओगे, पत्थर अपने आप को रिस्टोर करता है, उसके अंदर क्या आएगा, समझ गए? रबड़ को खींचोगे, रबड़ अपने आप को आपके छोड़ने के बाद वापसी अपने आप को वैसी कर लेती है, उसके अंदर क्या आएगी। ऐसे ही इस चैप्टर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इलास्टिसिटी। क्या पढ़ी है, इलास्टिसिटी। और इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत अगर हम किसी बॉडी को डिफॉर्म कर दे, मतलब उसकी शेप और साइज को बदल दे, तो बॉडी अपने आप को फिर से क्या करेगी, वैसा ही कर लेगी। समझिए भैया, यानी उस बॉडी, वो जब अपने आप को दोबारा से रिस्टोर कर रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी क्या आ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही टॉपिक करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन इलास्टिक बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी इन इलास्टिक बॉडी। अब आपको पता है भैया, इलास्टिक बॉडी कौन कौन सी होती है, स्टील हो गया, ऑल मेटल्स आर इलास्टिक। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा रखे इलास्टिक के, याद है ना, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है भैया, प्रॉपर्टी जिसके द्वारा बॉडी अपनी शेप को रिगेन करती है डिफॉर्म करने के बाद। जब हम बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म मतलब बॉडी की शेप और साइज को बदल देना, उसको डिफॉर्म करते हैं, ठीक है भैया? और जो फोर्स लगाते हो वो क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। और जैसी फोर्स को हटाते हो, और बॉडी अगर इलास्टिक है, तो अपनी शेप को क्या करेगी, रिगेन करेगी। जो भी रिगेन करेगा, उसके अंदर एनर्जी आती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। समझे भैया, हाँ। डायमंड तो भैया बहुत सॉलिड मटेरियल है, पहली बात तो वो वैसे ब्रिटल है, काफी ब्रिटल, समझ गया, टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं आ सकती। देखिए प्लीज प्लीज, पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी इन इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी। टॉपिक का नाम है, बड़ा प्यारा नाम है, याद है ना भैया? इलास्टिक बॉडी कौन सी बॉडी होती है जो अपनी शेप को आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? जो बॉडी की शेप और साइज को बदल दे। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जो बॉडी की शेप और साइज को वैसा ही कर दे। याद है ना, समझ गए भैया? तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बॉडी अपनी शेप और साइज को रीगेन कर रही है, इस वजह से उसके अंदर भी क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है भैया? तो भैया वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऑलवेज कल आ जाना चार छह बजे वाले बैच में, सेम कल छह बजे वाले ए इसे डा बैग डा एक सेकंड रुकना भैया, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। इलास्टिसिटी क्या होती है? बॉडी की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो अपनी शेप को क्या करती है? रीगेन करती है। हर इलास्टिक बॉडी के अंदर क्या आती है? हर इलास्टिक बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान दीजिए भैया, मैं उसी पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करने जा रहा हूं। मैंने क्या लिखा है? वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और इस एनर्जी को हम कहते हैं भैया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भैया जिसने इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा उसी को समझ में आएगा। ध्यान दीजिए भैया प्लीज, ये एक वायर है और इसको मैंने दीवार में फिट कर रखा है, और इस वक्त मैंने इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा रखा। जब आप फोर्स नहीं लगाओगे तो इसकी लेंथ में जो बदलाव आएगा वो क्या होगा? जीरो होगा। जब आपने फोर्स नहीं लगाया तो इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है? एल है, तो वो एल ही रहेगी, इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है भैया? अच्छा, इस वायर के बारे में इसकी खासियत बता दूं तो वाई क्या है इसका? यंग मॉडुलस। क्या है? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस। और एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ या एक्चुअल लेंथ? एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है भैया? तो जब आपने फोर्स नहीं लगाया था, और बता दूं इसके बारे में, तो ए क्या है भैया? हेलो कौन? हाँ अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, देखिए भैया जो मटेरियल है वायर का उसका यंग मॉडुलस क्या है? वाई। एल क्या है इसकी? ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई प्लीज, क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? ये होता है क्रॉस सेक्शन, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और ये सर्कुलर है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? ठीक है, क्रॉस सेक्शन। अब देखिए भैया, तो ये वायर था, इसके ऊपर आपने किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा रखा था, इसलिए इसकी लेंथ में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन हमने क्या लिखा? आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट। अच्छा, मैं इलास्टिक लिमिट के अंदर क्यों कर रहा हूं? मैंने बताया था बॉडी अपने आप को रिगेन इलास्टिक लिमिट के अंदर ही कर पाती है। नहीं समझते इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है मैंने इसको टेढ़ा किया ना, छोड़ू तो वैसी हो जाए, लेकिन मैं ऐसा भी टेढ़ा कर सकता हूं इसको कि कभी वापसी ना आए। वो जब होगा जब हम इसकी इलास्टिक लिमिट के पार चले जाएंगे, यानी बॉडी अपने आप को रिस्टोर इलास्टिक लिमिट के अंदर ही करती है, और तब भी उसी के अंदर क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसके बियॉन्ड चला जाऊंगा तो ये अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाएगा, इसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया, अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी।
जब तक आप बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर उसको डिफॉर्म करोगे तभी तक वो अपने आप को रिफॉर्म कर नहीं पाएगी और तभी उसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल जीरो। समझ गया भैया? एल लेंथ एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ। हाँ, तो लिखा हुआ है आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। अब जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको पता है भैया इस वायर की लेंथ जो एल थी वो क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी और नई लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल, यही होगी ना। नई लेंथ क्या होगी, थोड़ी बढ़ी, भाई प्लीज बात मत कीजिए प्लीज, नई लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है भैया, अभी आपने जो फोर्स लगाया एफ टू वो क्या था, एफ था। इस कंडीशन में जो फोर्स लगाया वो एफ था, और आपको बता दूं ये फोर्स वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है बताइए, कोई बताएगा मुझे। देखिए भैया हुक्स लॉ याद है आपको, हुक्स लॉ, या फिर आपको स्प्रिंग, स्प्रिंग वाला टॉपिक याद है। आप जितनी ज्यादा स्प्रिंग को, जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी स्प्रिंग की उतना ज्यादा आपका फोर्स बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर बताता हूँ कि सिलेंडर जितना भारी होता है उसकी जो तराजू जो तोलती है, स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग वाली तराजू, उसके अंदर एक्सटेंशन क्या होती है, उतनी ज्यादा आती है। यानी लोड जितना ज्यादा होगा, फोर्स जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंशन क्या होगी, उतनी ही होगी। जैसे जैसे वायर खींचेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे कितना चेंज खींचना है इसको, डेल्टा एल तक। नई लेंथ क्या होगी, पहले लेंथ क्या थी एल, अभी लेंथ क्या होगी। मुझे देखिए मान लीजिए डेल्टा एल क्या था, 2 सेंटीमीटर, क्या है, तो 0.1 मिलीमीटर पे कुछ और फोर्स होगा, 0.2 मिलीमीटर पे कुछ और फोर्स, 0.3 मिलीमीटर पे कुछ और फोर्स। ये फोर्स क्या है भैया, वेरिएबल है, ध्यान रखना। ये फोर्स क्या है, जब भी किसी को खींचने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल करते हो, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे आपका नॉर्मल वायर हो, चाहे आपकी रबड़ हो, उन सब केस में जब आप खींचते हो तो जो फोर्स होता है वो कैसा नेचर का होता है, वेरिएबल। समझ गया भैया, क्यों, क्योंकि लेंथ के साथ, क्योंकि फोर्स जो होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। जितनी बड़ी लेंथ, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ही ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गए भैया, इसलिए फोर्स क्या है, वेरिएबल इन नेचर है। समझ गए, चलो। और जो लेंथ में चेंज आया है वो क्या है भैया, डेल्टा एल है। कितनी चेंज आया है, अब ध्यान दीजिए भैया, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया, और आपको पता है इस कंडीशन में जो आपने फोर्स लगाया वो वेरिएबल फोर्स है, क्या है, और यहां पर जो फोर्स रखना है आपको किसी को ये एक वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, लेकिन कौन सा फोर्स रखा जाए। तो इसलिए इस कंडीशन में आप जिस फोर्स का इस्तेमाल करोगे वो नॉर्मल फोर्स नहीं रहेगा, वो एवरेज फोर्स रहेगा। क्या रहेगा, एवरेज। क्यों इस्तेमाल किया, एवरेज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि फोर्स लगातार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स वेरिएबल है, इसलिए हमने इस कंडीशन में कौन से फोर्स का इस्तेमाल किया है, एवरेज फोर्स का। किसका इस्तेमाल किया है, अब चलो भैया देखिए एवरेज फोर्स निकालते हैं। तो आपको पता है भैया यहां पर दो फोर्स है, एक फोर्स क्या है भैया, पहला फोर्स क्या है, एफ वन, दूसरा फोर्स क्या है भैया, एफ टू। तो एवरेज फोर्स क्या होता है, एफ वन प्लस एफ टू अपॉन में टू। एफ वन की वैल्यू क्या है, जीरो, एफ टू की वैल्यू क्या है, एफ डिवाइड बाय टू, तो क्या हुआ, एफ बाय में टू। यानी एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या है, जो आपको फोर्स यूज करना है यहां पर वो फोर्स क्या है, एफ बाय में टू। चलो भैया, तो वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन, या वर्क ही लिखो सीधा, बार बार वर्क डन मत लिखो। एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या आ गई भैया, एफ बाय में टू। क्यों लिया है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है आपका। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस फोर्स की वजह से, डेल्टा एल का। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा एल का। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया हमने क्या किया इस वाले स्टेप में, ये तो ठीक है, वर्क है ये, ठीक है इस कंडीशन में। और आपको पता है ये वर्क किसके बराबर होता है, वर्क डन अगे। अच्छा पता है आपको इलास्टिक फोर्स कहां लग रहा होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि मैं स्प्रिंग की लेंथ को, ये तार की लेंथ को बाहर की तरफ बढ़ा रहा हूं, तो जो फोर्स इसको दोबारा रिस्टोर करेगा वो कहां लग रहा होगा, अंदर की तरफ। अब जो ये बाद में जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा ये दोबारा से क्या होगा, इसी लेंथ का हो जाएगा, जैसे रबड़ हो जाती है। अरे भैया यार मैं इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बात मत कर, मतलब अपनी शेप को रिगेन करेगा वो, ठीक है। तो जैसी मैं, ये इलास्टिक है, ये क्या है, जैसी मैं इसको खींचूंगा फोर्स लगा के, ये तो लंबा हो गया, और उसके बाद जैसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, वापसी अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। यानी जो फोर्स लग रहा है मेरे अगेंस्ट में वो क्या है, इधर लग रहा है, वो अंदर की तरफ लग रहा है, ये क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसी ये फोर्स हटाऊंगा वैसी ये फोर्स क्या करेगा, इसको इस लेंथ का बना देगा। ठीक है भैया, तब देखिए भैया
तो मैंने लिखा है वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। जो आप वर्क कर रहे हो एक्चुअल में वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क कर रहे हो वही क्या है, मैंने आपको शुरू से ही बताया आप ईंट को उठाओगे तो कितना वर्क करोगे, mgh, वही क्या होता है पोटेंशियल के बराबर होता है। आपने सुन लो पढ़ रखा होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, पढ़ा है ना, वो mgh एक्चुअल में वर्क होता है और उसी को हम क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देते हैं, समझ गए भैया। तो यहां पर वर्क जो भी हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क क्या हो रहा है, f / 2 * डेल्टा l, f / 2 क्या है भैया एवरेज फोर्स और डेल्टा l क्या है भैया उसके अंदर एलोंगेशन जो मेरे फोर्स की वजह से आई है विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाओगे तो क्या होगा, वो बॉडी अपने आप को रिस्टोर तब पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया ये वर्क ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इस वर्क को हम क्या लिख देते, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में हाफ एफ इंटू में डेल्टा एल, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि एरिया ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है भैया ए है, तो उससे डिवाइड कर दिया और उसी से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ठीक है भैया, ये हो गया हाफ। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, एल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एल से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि एल क्या है एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर जो हमारी स्टार्टिंग में लेंथ थी। अब देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये क्या बन गया स्ट्रेस, ये क्या बन गया स्ट्रेस, और ये क्या बन गया स्ट्रेन, और एरिया इनटू में लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है volume. क्योंकि वायर कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है, क्या होता है सिलेंडर का जो एरिया होता है, अगर आप देखोगे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो पाई आर स्क्वायर है क्या एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और एच क्या है उसकी, तो एरिया इंटू में हाइट क्या हो गया वॉल्यूम, एरिया इस यहीं से आया एरिया इंटू में हाइट। तो भैया पोटेंशियल जी क्या कह दिया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में हाफ, ये क्या बेटा स्ट्रेस, ये क्या है बेटा स्ट्रेन, और ये क्या है भैया वॉल्यूम, वी किसका वॉल्यूम है वायर का वॉल्यूम है, इसे कहते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर, टोटल ऑफ वायर, जिस वायर का आपने इस्तेमाल किया है उसके अंदर कुल पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये आएगी, कुल पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी, कल आइयो तू, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, टोटल भाई प्लीज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी वायर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, चलो ये हो गया, अरे चुप हो जा, ठीक है। अब देखिए भैया इस वॉल्यूम को ये क्या है कुल पोटेंशियल एनर्जी, वायर के अंदर जो कुल पोटेंशियल एनर्जी आ रखी है वो आपकी ये है स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू में डेल्टा वी का हाफ, ठीक है। अभी देखिए वी ऑल्सो नो यंग मॉडुलस क्या होते हैं बेटा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है वो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होती है। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा भैया यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो स्ट्रेस की वैल्यू आ गई आपकी यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन आ गई, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या होगी हाफ, देखिए स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन इनटू में स्ट्रेन, ठीक है भैया। अभी इसको आगे सॉल्व करता हूं इधर की तरफ, तो ये देखिए क्या हो गया, अब वॉल्यूम ये लिख दिया खुश, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में हाफ, देखिए वाई ये ना वाई लिख दीजिए, स्ट्रेन दो बार हो गया तो स्ट्रेन का इनटू में वॉल्यूम, ये भी हो गया आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला ये भी है आपका, ये भी है और ये भी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ले यार बैठ गया तू तेरी शक्ल, लेकिन तेरे को कल आना ही पड़ेगा, ले अपनी कुर्सी दे रहा हूँ तेरे को मैं, कैच कर लेगा ओ कौन करेगा तू करियो, खड़ा हो जा खड़ा, ओए भाई प्लीज, ठीक है ये हो गया बेटा। अब देखिए भैया एक और फॉर्मूला आपका यहीं से आता है, ये क्या है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्या है ये भी क्या है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कई बार आता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, और वही बुक में लिखा होता है पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है। ये क्या है, किसका, वायर का। और ये क्या है, किसकी, वायर की। जब इसको इसके नीचे लाता हूं तो ये एन लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, तो हम लिख देते हैं एन। क्या लिख देते हैं, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, हाफ वाई इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया, समझे। देखिए भैया ये क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम। अब ये क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है, टोटल। जब टोटल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा, खैर मेन फॉर्मूला आपका ये है, ये तो चोचलेबाजी है एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी में ये पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन का स्क्वायर। यहां पर लिख दूं एन क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं ना, फटाफट कॉपी कीजिए। एक लास्ट टॉपिक आता है जिसे, जिसका नाम है पॉइजन रेशियो, ठीक है भैया। अब देखिए भाई प्लीज बोली नहीं कोई भी, ये डेरिवेशन ध्यान रखना कुछ खास नहीं है। इसके ऊपर जेई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में आते भी नहीं है। तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ए संडे को या तो टेस्ट लूंगा या न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसके ऊपर जेई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, अरे ओए मेरे से जरूरी बात तेरी है क्या, चुप हो जा। तो भैया देखिए, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो जेई में आएंगे या नीट में आएंगे। ये आपके सीबीएसई लेवल पे कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा आपको इसको, ठीक है भैया। तो अगला जो टॉपिक है पॉइजन रेशियो, वो भी ऐसा ही है, ठीक है भैया। लेकिन पॉइजन रेशियो का बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन होती है हमारे मतलब इंजीनियरिंग लाइन में, ठीक है भैया। कि कई बार हम वायर को खींचते हैं तो वायर ज्यादा खिंच जाता है, जिसकी वजह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कम हो जाता है, नहीं समझे। ये एरिया कम हो जाता है, आप जब चीजों को खींचोगे तो उसकी लंबाई बढ़ती है, और लंबाई के साथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है भैया। तो ये रेशियो जो होता है ना, अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। हर मटेरियल के लिए एक जैसा नहीं होता रेशियो, और जिस मटेरियल का पॉइजन रेशियो ज्यादा होता है वो अच्छा मटेरियल होता है, उसको जो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पुल वगैरह कंस्ट्रक्ट करने में या फिर पिलर वगैरह बनाने में। लेकिन जिस मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कम आती है उसका इस्तेमाल कम होता है इन सब कामों में, बाकी अन्य कामों में होता होगा, ठीक है भैया। बाकी हमें पॉइजन रेशियो ज्यादा करके चलना है, और पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो होती है वो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही आती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, ठीक है भैया। तो पॉइजन रेशियो होता क्या, जो नाम है रेशियो तो होता ही होगा, रेशियो रेशियो मतलब दो चीजों को डिवाइड करना, ठीक है। तो देखिए भैया आपको पता होगा, जब भी आप किसी वायर को खींचते हो या उसको कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो उसकी, या तो उसकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, या जब लेंथ बढ़ेगी तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, पतला हो जाता है। और जब आप उसकी लेंथ को घटाओगे तो वो लेंथ तो छोटी होगी लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। अबे क्या अनपढ़ है क्या, गधा वधा है क्या, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है। अरे तो जिंदगी विंदगी आ गया अभी, ये तो टॉपिक का नाम है बेटा, बड़ा प्यारा टॉपिक है, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो चैप्टर खत्म हो गया, तेरा कब से पेपर है। सिग्मा से लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं भैया। अब देखिए, एक होता है लैटरल स्ट्रेन और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर आता है, लैटरल स्ट्रेन कहां पे आता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसके लेंथ में आता है, किस में आता है। तो भैया देखिए एक बार ध्यान दीजिए, अभी कॉपी नहीं करा कोई भी, अरिजीत प्लीज। ये वायर है,
जिसकी एक्चुअल रेडियस एक्चुअल लेंथ क्या है भैया एल है और इसकी एक्चुअल रेडियस क्या है आर है। इस वक्त आपने किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा, ठीक है। जैसे ही आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट तो क्या होता है बेटा, ठीक है भैया, इस वायर की लंबाई बढ़ जाएगी और इसका एरिया क्या होगा कम हो जाएगा। लंबाई क्या होगी इसकी एल प्लस डेल्टा एल और रेडियस क्या होगी कम होगी ज्यादा होगी कम हो जाएगी। तो रेडियस क्या होगी आर माइनस डेल्टा आर। ये माइनस दिखा रहा है कि रेडियस कम हुई या प्लस दिखा रहा है कि लेंथ बढ़ी है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ प्लस डेल्टा एल का है और चेंज इन रेडियस कितना है माइनस डेल्टा आर का है, कितना है मतलब यहां पे लेंथ बढ़ी है प्लस दिखा रहा है लेंथ बढ़ी है और माइनस दिखा रहा है रेडियस घटी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो तरह के स्ट्रेन आ रहे हैं, एक स्ट्रेन होता है लेंथ के अलोंग उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और एक होता है रेडियस के अलोंग उसे कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा डेल्टा एल अपॉन में एल चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ का रेशियो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है भैया, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ का रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, याद होगा आपको, है ना। दूसरा लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा भैया, चेंज इन रेडियस अपॉन में एक्चुअल रेडियस, माइनस लगा रहा हूं क्योंकि रेडियस कम हुई है डिक्रीज हुई है, ठीक है भैया। अब पॉइजन रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यार पूरा लिखो, लेटरल स्ट्रेन टू द स्ट्रेन, ये किसका रेशियो होता है भैया, लेटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो सिग्मा क्या हो जाएगा भैया, देन सिग्मा इक्वल्स टू में लेटरल स्ट्रेन क्या है बेटा, डेल्टा आर अपॉन में माइनस डेल्टा आर अपॉन में आर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या रखा है डेल्टा एल अपॉन में एल। यही रेशियो क्या कहलाता है भैया, पॉइजन रेशियो। और इसकी जो लिमिट होती है एनसीईआरटी में दे रखी है, शायद नहीं दे रखी, कोई बात नहीं रखे रहे बहन, चुरा के थोड़ी ले आएगी तू। अब देखिए इट्स यहां पे लिख रहा हूं भैया प्लीज, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भैया स्टील की, फॉर स्टील जो आपका पॉइजन रेशियो होता है वो होता है, पॉइजन रेशियो होता है जो आपका वो होता है 0.28 से लेके 0.30 के बीच में। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। स्टील की बात करूं तो स्टील के लिए पॉइजन रेशियो क्या होगा, 0.28 से लेकर के 0.30 के बीच में लाई करता है, ठीक है, स्टील के लिए। और अलग मटेरियल के लिए इसने कई सारे एग्जाम, एल्यूमिनियम के अलॉय की बात करूं, चलो एल्यूमिनियम के लिए जो होगा, दूसरा पहला एग्जाम्पल तो ये रहा, दूसरा है एल्यूमिनियम अलॉय के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.33। ये भैया स्टील के लिए ये होगा, एल्यूमिनियम के लिए ये होगा, समझ गए भैया। अब देखिए ये कम कब, ये देखिए स्टील के लिए इसकी वैल्यू कम आ रही है, देख रहे हो, ध्यान दीजिए भैया, स्टील के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर स्टील के लिए ये कम आ रही है तो इसका मतलब ऊपर वाली चीज क्या होगी, कम होगी, और नीचे वाली चीज क्या होगी,
यानी लेंथ बढ़ाने पर रेडियस के अंदर चेंज कम आएगा स्टील के अंदर, समझ गए? लेंथ बढ़ाने पर रेडियस के अंदर स्टील के अंदर चेंज क्या होगा? कम आएगा, इसलिए हम स्टील का इस्तेमाल ब्रिज वगैरह में करते हैं। अगर भैया लेंथ बढ़ाओगे और स्टील भी क्या होगा, पतला हो जाएगा तो ज्यादा मजबूत नहीं रहेगा, उसके अंदर क्या आएगी? डिप्रेशन, याद है ना, डिप्रेशन, डिप्रेस जो आएगा उसके अंदर लचक आ जाएगी, ठीक है भैया। और एल्यूमिनियम में देखो ज्यादा आ रहा है, एल्यूमिनियम में क्या रहा है, और ज्यादा कब होगा? जब ये ज्यादा और ये क्या होगा? कम। ये ज्यादा आने का मतलब क्या है भैया? रेडियस कम हो जा रही है, रेडियस क्या हो रही है? कम हो जा रही है, ठीक है भैया। तो इसलिए हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते ब्रिज वगैरह बनाने में। स्टील आयरन दोनों का मिक्सर का इस्तेमाल होता है, कार्बन मिला देते, जब आयरन में कार्बन मिला देगा ना तो स्टील बन जाती है, ठीक है भैया। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, फटाफट कॉपी कर लो। एक दो चीजें बतानी है मेरे को बस एक्स्ट्रा ऐसे मुंह से। चलो ऑनलाइन वाले मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ नहीं बताना, एक बार सिरों पर रखा है, खड़ा हुआ है, जय हिंद जय भारत।